स्वागत है आपका टेक्नो व्लॉगी में। मैं ऋषभ पारिक और मैं लेके चलूंगा आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। लेट्स गो। तो गाइस आज हम बात करेंगे एक नए स्मार्टफोन के बारे में जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और Realme का स्मार्टफोन है। गाइस आपको ऑलरेडी पता है कि Realme इस वक्त क्या धूम मचा रहा है, Xiaomi को बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहा है, कम प्राइस में बहुत ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स और डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन मार्केट में लेके आ रहा है। और Realme का जो ये स्मार्टफोन है Realme X50 5G नाम है इसका। ये MWC 2020 बार्सिलोना में लॉन्च होना था लेकिन कोरोना वायरस, जैसा कि आपको पता है, चाइना में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव चल रहा है, इसी कारण से 24 फरवरी को ये ऑनलाइन स्ट्रीम के द्वारा सारे वर्ल्ड वाइड में लॉन्च किया जाएगा। तो गाइज Realme X50 में क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, क्या आप इससे होप कर सकते हैं, क्या कन्फर्म है, क्या लीक है, वो सारी बातें मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। गाइज सबसे पहली चीज़ Realme X50 Pro की जो स्क्रीन है, डिस्प्ले, वो होने वाली है 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले और वो भी सुपर एमोलेड। तो गाइज ये कॉम्बिनेशन बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस देगा, जो भी गेमिंग हो गया, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस हो गई, बहुत ज़्यादा एनिमेशन वाला काम हो गया, तो वो सब रेंडरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी और बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा लगेगा डिस्प्ले, क्योंकि 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, क्योंकि टच बहुत रिस्पॉन्स स्मूथ होगा। 90 यानी कि 90 हर्ट्ज का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, आगे काम आएगा आपके। गाइज आजकल क्या है कि 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज की स्क्रीन आपको स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रही है। अब ये क्या होता है कि बेसिकली एक सेकंड में आपकी जो स्क्रीन है वो 90 हर्ट्ज यानी कि 90 बार रिफ्रेश हो जाती है। ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है उसकी स्मूथनेस में स्क्रीन की और उसके टच रिस्पॉन्स में। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेंगी। दूसरा है इसकी चार्जिंग टेक्निक। गाइज पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 50 वोट का सुपर वूक चार्जर होगा, लेकिन नहीं, वो नहीं मिलने वाला। उसके बजाय 65 वोट का डार्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा Realme X50 Pro में। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्मार्टफोन है बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। 65 वोट का होता है, नॉर्मल जो फास्ट चार्जिंग वाले स्मार्टफोन्स के चार्जर आते हैं वो 18 वोट के होते हैं और ये 65 वोट, 65 वोट का। तो गाइज आप अंतर देख रहे हो कि कितना कूल ये स्मार्टफोन होने वाला है चार्जिंग के मामले में भी। अब आ जाते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो गाइज अनुमान लगाया जा रहा था कि इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का है 855 यूज किया जाने वाला था, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि इसमें जो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 SoC वो यूज किया जाएगा। आपको मैं हर वीडियो में प्रोसेसर्स के बारे में बताता हूँ और इस वीडियो में भी बता देता हूँ, प्रोसेसर जो होते हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं उसकी परफॉर्मेंस में, गेमिंग में। तो इसमें जो इसमें सबसे बढ़िया प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है Realme का, तो ये बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस देगा नो डाउट। सबसे तगड़ा जो Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर है वो है 865 और वो इसके अंदर यूज किया जाएगा। इसी के साथ आपको UFS 3.0 यानी कि जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है जहां आपका सारा डाटा स्टोर होता है वो UFS 3.0 मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आपका रिलायबल सोर्स हो जाएगा, बहुत फास्ट होगा, जो ट्रांसफरिंग स्पीड है वो लैग नहीं होगा, आपका डाटा है वो बहुत ज्यादा स्पीड से जाएगा और अत्याधुनिक तकनीक को यूज किया जाएगा उसके मामले में। इसमें एंड्रॉयड 10 होगा लेकिन जो Realme की UI है वो उसकी स्किन आपको मिलेगी। वैसे तो ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाना चाहिए था उसमें बार्सिलोना में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट ये 24 फरवरी को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके लॉन्च करेंगे और इसकी जो प्राइस है वो अभी तक रिवील नहीं की गई है, तो उस लॉन्च में उसकी प्राइस भी पता चल जाएगी और हम आपको बता देंगे। तो गाइज ये थी द मोस्ट अवेटेड Realme X50 Pro के ऊपर हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें आपको पता चल जाए सबसे पहले।
you.